तो फ्रेंड आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। सरिया का वजन ये दो फार्मूला दिया गया है, उसे कैसे निकालें और ये दोनों फार्मूला होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाले फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही सरल तरीका आसानी से समझेंगे, ठीक है, कि ये दोनों फार्मूला का कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके सारे चीज़ रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो आइए हम जानते हैं ये जो मेरा फार्मूला है डी स्क्वायर इंटू एल बाय 533। ठीक है, तो ये स्टील बार का वेट निकालने का फार्मूला है। अगर आपको स्टील बार का लेंथ है, जो स्टील बार का लेंथ रहता है, ठीक है दोस्तों, स्टील बार का लेंथ अगर आपको फीट में दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ये फार्मूला होता है निकालने का डी स्क्वायर इंटू एल बाय 533 होता है। ठीक है, एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्टील बार का लेंथ है 40 फुट। इंडिया में जनरली एक जो छत सरिया होता है या एक स्टील होता है उसका लेंथ अगर फुट का बात करें तो 40 फुट होता है। ठीक है, ठीक है, वो किसी साइज का हो, चाहे 12 mm का हो, चाहे 10 mm का हो, ठीक है, चाहे वो 8 mm का हो, तो इंडिया में जनरली इसका साइज 40 फुट होता है। लेंथ हमारा 40 फुट हो गया, डाया ऑफ स्टील बार आपका हो गया 12 mm का हमने अभी लिया है। ठीक है, और दो चीज़ अब मिल गया, तो वेट ऑफ स्टील इन फुट, फुट में हमें लेंथ दिया तो फुट में कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होता है डी स्क्वायर इंटू एल बाई 533। तो डी अपना क्या हो गया, डाया ऑफ स्टील बार, डाया मतलब डायमीटर ऑफ स्टील बार, स्टील बार का ये जो डायमीटर रहता है, ठीक है, वो आपका 12 mm का है। ठीक है, तो डाया ऑफ स्टील बार क्या है, 12, और डी स्क्वायर है तो दो बार होगा गुना, तो 12 × 12, ठीक है, और ये बट्टा में जो है बाई में 533, और जो हमारा टोटल लेंथ दिया गया है 40 फुट एक स्टील बार का हम निकाल रहे हैं। ठीक है, जब इसको हम गुना करेंगे और जब इसे भागा देंगे और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा वेट आ जाएगा 10.8 kg आ जाएगा। ठीक है, ये आपको टोटल हो गया एक स्टील बार का। ठीक है, एक स्टील बार का आपका वेट हो गया, बार का वेट अगर यही बात करें पर केजी का, ठीक है, तो आपका डी स्क्वायर बाय 533 हो गया। ठीक है, और हमें लेना है एक फुट का, तो एक फुट हमारे जो गुने एक फुट कर दिए, तो ये एक फुट का हमारे पास जब इसको गुना भाग करेंगे तो निकल के आ जाएगा 0.270 kg पर फुट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह इस फार्मूला का, ये फार्मूला का निकालने का जो प्रोसेस है आप वीडियो में बने रहे, मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको स्टील बार का लेंथ मीटर में दिया गया है, ठीक है, तो मीटर में दिया गया है स्टील बार का लेंथ, तो आपको डी स्क्वायर इंटू एल बाई 162.19 लेते हैं। ठीक है, इस फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं, ये फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं अगर आपको मीटर में दिया गया है स्टील बार तो लेंथ। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, स्टील बार का लेंथ हमें 12 मीटर दिया गया है। इंडिया में जनरली एक स्टील बार का भी जो समझाए थे वो आपको 12 मीटर होता है लेंथ। ठीक है, वो किसी साइज का स्टील बार हो, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, ठीक है, चाहे 20 mm हो। तो आइए डाया ऑफ स्टील बार जो दिया गया है, डाया ऑफ स्टील बार आपको दिया गया 12 mm, ठीक है, तो इसका वेट क्या होगा, स्टील बार का वेट निकालने का फार्मूला जो हमारे पास है, आपका फार्मूला था डी स्क्वायर इंटू एल बाई 162.2। ये अप्रॉक्स हम 19 को 2 मान लिए, ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया गया डाई ऑफ स्टील बार क्या, 12 गुने फिर 12, क्योंकि डी का स्क्वायर है, तो डी का स्क्वायर का मतलब है डी गुने डी डाई ऑफ स्टील बार, तो और बटा में 162.2, और जो हमारा लेंथ था टोटल 12 मीटर का दिया गया है। ठीक है, एक स्टील बार का, तो जब इसको गुना करेंगे और इसे भाग देंगे और 12 जो लंबाई है, ठीक है, मीटर में एक स्टील बार का, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद 10.653 kg आ जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात कर लें मीटर का, पर मीटर का, ठीक है, पर केजी इन मीटर, तो डी स्क्वायर बाय 162.2, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 × 12, डाई ऑफ स्टील बार है 12 mm, और बटा में 162.2, ठीक है, और एक मीटर का बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे एल होता है, एक मीटर में
जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका एक मीटर का हो जाएगा 0.887 केजी पर मीटर हो जाएगा, ठीक है, एक मीटर का हो जाएगा इतना। तो आपके पास अगर कितना भी लेंथ दिया रहे, चाहे वो आपको 10 मीटर दिया रहे, चाहे वो 8 मीटर दिया रहे, तो आप आसानी से 0.887 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 10 मीटर को, चाहे जो भी दिया रहे मीटर लेंथ, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका वेट। और अगर इस चीज़ से आप बचना चाहते हैं कैलकुलेशन पार्ट से और सीधा जानना चाहते हैं कि कैसे मतलब निकाले, तो इसके लिए हमने पहले वीडियो बना के डाल दिया है कि सीधा आप पता कर सकते हैं, एक पर केजी का वेट पता कर लेंगे, ठीक है, और जितना लंबाई रहेगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेंथ पता चल जाएगा। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, इस फॉर्मूले से आप छुटकारा पाके सीधा वेट जान सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।